क्या हुआ धोनी, तुम चिल्ला क्यों रही थी? ज्यादा नाटक मत, तो आई थी ना हमारे कमरे में, हमें मारने की कोशिश कर रही थी ना, हमने देखा था तेरे हाथ में वो नाइफ थी, तो नाइफ लेकर आई थी ना। तो फाइनली यहाँ पर अभिमन्यु को पागल बनाया है ध्वनि और कोयल ने, और कोयल पहले तो उस पर ऐसे बताती है कि भाई कितना अत्याचार हुआ है यहाँ पर ध्वनि के ऊपर, और जबरदस्ती उसकी ढोल आराम से शादी कर रहे हैं। तो अब अभिमन्यु शादी कर लेता है और उसको धीरे धीरे उससे प्यार भी होने लगा है, लेकिन भी मासूम मन की सवाल कर रही है हमसे। क्या हम तुम्हारे कमरे में कब आए ध्वनि? तुम बढ़ा तो नहीं गई हो? बिना सबूत के किसी पर भी इल्जाम लगाना सरासर गलत है। आप लोग हमारी बात क्यों नहीं समझते? यहाँ पर बड़ा हंगामा होता है तब कि जब सबके सामने सच आता है और भाई कोई भी इनके रिश्ते को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्पेशली जो रुद्र है ना उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, और यहाँ पर जो अभिमन्यु के माँ बाप है वो भी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। उनका तो वो नाइफ उसने फेंका नहीं होगा, आप सब लोग प्लीज उस नाइफ को ढूंढिए तो हमें गुनहगार भी मिल जाएगा। कौन सा खेल खेल रही हो तुम अच्छे से जानते हो हम कभी किसी की जान नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप लोगों को हम पे यकीन नहीं है ना तो ले लीजिए तलाशी हमारे कमरे की। भाई बस नहीं चल रहा है, नहीं तो वो उसको घर से बाहर निकाल दे। पर यहाँ भाई कोयल है ना, कोयल उनका साथ दे रही है, और कोयल ने तो जानबूझ के सारी चीजें की है। उसको पता है कि अगर मैं सोरा की शादी नहीं कराती इस लड़के से तो भाई यहाँ पर हंगामा हो जाता, और वो जो ध्वनि है ना वो उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी। हमें नहीं लगता कि सोरा ऐसा कुछ कर सकती। सच कहो तो बेटा हमें भी ऐसा नहीं लगता कि सोरा ऐसा कुछ कर सकती है। का सच सामने आ जाता तो भाई यहाँ पर प्रभा का सच भी सामने आ जाता। वैसे प्रभा का सच लाएगी यहाँ पर जो स्वरा है, क्योंकि स्वरा भाई बहुत पसंद करती है अपनी डांस वाली टीचर को, और डांस वाली टीचर ही वेदांत की असली माँ है। तो ये राजा को जब ये सच सामने आएगा स्वरा के तब देखेंगे क्या होता है, क्योंकि स्वरा को ये तो समझ में आ गया था जब उसने डायरी ली थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भाई इन्होंने कोयल ने किया है। अभी तक कोयल तो उसके नजर में अच्छी है, लेकिन जब कोयल का ये भी सच आएगा कि वो ध्वनि का साथ दे रही है तब देखते हैं यहाँ पर स्वरा का क्या स्टेप होगा। लेकिन भाई अभी तो यहाँ पर बहुत हलचल मची है, शादी हो चुकी है, और यहाँ वेदांत को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वेदांत को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, पहले तो भाई ढोलाराम से शादी हो रही थी जबरदस्ती ध्वनि की, अब यहाँ पर भाई अभिमन्यु से शादी होगी। उसको ना ध्वनि के लिए बहुत इमोशनल हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ध्वनि उससे वाकई में प्यार करती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि भाई ध्वनि जो है ना वो पैसों के लिए प्यार करती है। और यहाँ पर स्वरा बोल भी चुकी है कि देखो मैं थोड़े दिन में ना इस लड़की को कैसे बाहर निकलवा के रहूंगी, और उसके बाद ये भी बताऊंगी सब लोगों को भाई ये पैसों के लिए प्यार कर थी, ये वाकई में वेदांत से कोई प्यार वगैरह नहीं करती है। और वहीं जब वेदांत के सामने ये सच आएगा तब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि वेदांत तो भाई अभी पागल है। यहाँ पर भाई वो स्वरा से बात भी नहीं करना चाहता है, उसको लग रहा है ये सारी चीजें जो हुई है ना यहाँ पर अभिमन्यु से शादी करी है ध्वनि ने, और ध्वनि की जिस तरीके की इस समय हालत है उसका सबका जिम्मेदार स्वरा है।